मैं अमारा और बीनिश आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर क्या कलर जचेगा। अब अगर हमने इकरा को देखा है कि इकरा ने रेड पहना था, इकरा अजीज ने, तो हमें भी रेड पहनना है, तो मुझे ये प्लीज बताना शुरू करें। इकरा का जो आउटफिट था ना वो रेड पे रेड था, जैसे जैसे ये बच्ची ने पहना हुआ। इस टाइप अनार रेड कहने से और इसके ऊपर जो बेसिक जो मसला लड़कियों को फेस करना पड़ता है, जैसे मेरे पास तो जब मेकअप की बुकिंग्स के लिए आती हैं तो हम जोड़ा भी डिस्कस करते हैं, ज्वेलरी भी डिस्कस करते हैं कि इस पे सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाए या इस पे गोल्ड पहनी जाए, या अगर स्टोन्स लगाने हैं ज्वेलरी पे तो किस रंग के स्टोन्स लगाए जाएं, क्योंकि कभी कभी सिल्वर और गोल्ड ऑफ हो जाता है, एक सर्टेन टाइप की एक डिफरेंट किस्म का गोल्ड इसके साथ जाता है, डिफरेंट किस्म का सिल्वर जाता है इसके साथ। तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट कलर है इसके साथ? कलर नहीं, क्योंकि ये टोन ऑन टोन काम की हाँ एक ही कलर है, एक ही काम है, तो उसमें कभी कभी ज्वेलरी की चॉइसेस में लोग जो है वो कभी कभी वो कर देते हैं, ब्लंडर्स कर देते हैं, कुछ अजीब सा गोल्ड उठा लेंगे। मतलब अभी जो इसने पहना हुआ है इट्स गोइंग विद इट, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर इन पर्ल्स की जगह कुछ और लगा हुआ होता, चाहे वो यू नो कोई रेड रूबी होता या कुछ होता, तो थोड़ी सी ब्लेंडिंग हो जाती। प्लस ये कि बहुत ब्राइट पॉलिश का आप सेट नहीं उठा सकते, उसको डल पॉलिश पे करवा दें, जैसे ये ब्राइट है। अगर आप उसके ऊपर हल्की सी कहीं किसी ज्वेलर से कॉपर या एंटीक टाइप कुछ करा देंगे तो ये ब्लेंड होगा और आपका जोड़ा भी उठेगा, आपका सेट भी ब्लेंड होगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो मुझे हर रेड लिपस्टिक नहीं सूट करती, यानी मुझे उससे ये समझ आ जाता है कि मेरी कॉम्प्लेक्शन पे हर लाल रंग नहीं जचता, ठीक है? सो एक सर्टन शेड मैं बना के अपने ऊपर लगा रही होती हूँ। अब हमारा मेरा आपसे सवाल है, जब मैं रेड लिपस्टिक इतनी छोटी सी चीज़ पे इतनी परेशान हो रही हूँ मेरी कॉम्प्लेक्शन पे, तो ये इतना सारा रेड मरून कलर क्या चूज़ करें हम, क्या चूज करें? वेल, कभी कभार मुझे लगता है कि समटाइम्स ब्राइड्स को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे अगर रेड पूरा आउटफिट है तो आप अगर रेड लिपस्टिक भी लगा रहे हैं उसके साथ और रेड सेट भी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कलर ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि अगर आप न्यूड लिपस्टिक पहन लें, पिंकिश लिपस्टिक पहन लें, एंड देन आप रेड सेट। ये तो मेकअप का सवाल है ना। मैंने ये सवाल आपसे किया कि हमें जोड़े का कलर अपने लिए कौन सा चूज करना चाहिए, नहीं समझ आ रहा। एक फर्ज करो, एक लड़की है जिसका रंग अगर मैं वहां से शुरू करती हूँ, हमारे यहाँ माशाल्लाह खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है, सांवला रहा, मुझसे शुरू करो, चलो तुमसे करती हूँ, सही है? ये अगर मैं बीनिश से भी थोड़ा मैं सांवली हूँ, नहीं 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 मैं सांवली हूँ। अब लेट्स सपोज अगर मेरी शादी है और मुझे कुछ रेड में पिकअप करना है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? अच्छा, अब देखो बीनिश तो कैरी कर लेगी, वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसको पता है कैसे कैरी, हर किसी के बस की बात नहीं होती। बच्चियाँ पहली दफा मेकअप और इस तरह सज संवर के स्टेज पे बैठी होती, सो एज डिजाइनर आप सजेशन क्या दोगी कि अगर बीनिश वाला कॉम्प्लेक्शन है, खूबसूरत सांवला रंग, सो कौन सा कलर इन सब रेड के शेड्स में से चुने? आई थिंक एक तो आपके पोमेग्रेनेट रेड बहुत अच्छा लगेगा, पोमेग्रेनेट यही हुआ अनार रंग, पोमेग्रेनेट रेड बहुत अच्छा लगेगा, इकरा पे बहुत अच्छा लगा था, हम देख चुके हैं इकरा अजीज को। और एक तो फिर ये एक तो इसकी टोन ऑन टोन वाली जो लुक है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, जिनका थोड़ा सा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। सेकंडली जो मरून होता है ना, दैट विल आल्सो लुक वेरी प्रीटी। मरून, इन दोनों में से तो मरून किसको कहो? ये थोड़ा सा डार्कर है, ये डार्कर मरून शेड पे आता है। अच्छा, और इन्होंने जैसे तीन शेड्स पहने हुए, इनका जो गरारा है फर्शी, इसका कलर कुछ और है, इसका शर्ट का कलर कुछ और है, और दुपट्टा और शर्ट इज थोड़ा सा सेम टोन ऑन टोन जा रहा है। तो ये जो कलर है ये भी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शंस पे बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाला कलर थोड़ा सा डार्कर टोन। अच्छा, एक और होता है बहुत डार्क मरून, जो थोड़ा बर्गंडी टाइप, जिसे कहते हैं कलेजी, क्या वो सांवली कॉम्प्लेक्शंस पे अच्छा लगेगा? एज डिजाइनर आप क्या सजेस्ट? क्यों नहीं, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट वो कलेजी कलर एक ऐसा कलर है जो कि अगर आप बहुत फेयर हैं या फिर अगर आप व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन हैं, ये दोनों कलर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कलर आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यू नो। ये इसको कलेजी तो नहीं कह सकते हम, नहीं, वो हमारे पास अभी है नहीं, जैसे एग प्लांट होता है ना वैसा कलर है, जैसे ऑबर्जीन होता है, वो उसके बीच का नहीं, पर्पल नहीं होता वो, बिल्कुल एक मरून मरूनिश डार्क लिपस्टिक वाला जो कलर। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बीनिश,
क्यों मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ, तुम जब वो कलर पहनती हो तुम्हारे पर जचता है वो कलर? कलर बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके साथ जो है ना वो मैं डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकती क्योंकि कपड़ा भी डार्क होगा और लिपस्टिक भी डार्क होगी तो बहुत वैम्पिश सा लुक आता है. तो फिर मैं हमेशा आईज डार्क करती हूँ और लाइट पिंक न्यूड नहीं होता उसके ऊपर मैं लिपस्टिक देती हूँ. क्योंकि मैंने दुल्हनों को देखा है वो डार्क मरून कपड़ों के साथ डार्क मरून लिपस्टिक लगा लेती हूं, थोड़ा सा वैम्पिश लगता है. हमेशा कहते हैं ये नहीं, वो नहीं करना चाहिए. अच्छा, ये तो आपने मुझे डूज बता दिया, आप मुझे सांवली कॉम्प्लेक्शन के लिए डोंट्स बता सकते हैं कि क्या कलर चूज ना करे वो अपनी शादी के दिन रेड्स में अगर उन्होंने जाना है? What do you suggest? अगर रेड्स में आपने जाना है और आपका वीटिश कम्प्लेक्शन है तो फिर आप वो जो एक बहुत ब्राइट टमेटो रेड कलर होता है जो बहुत ब्राइट होता जिसमें है ऑरेंजिश का फ्लेवर आता है जी, ऑरेंज yes, a little orange-ish, reddish, हाँ. तो वो आप ना करें बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है. हाँ. तो अगर आपका बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है तो हाँ. फिर आप वो चूज कर सकते हैं. उसमें भी फिर थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आप बहुत ज्यादा स्टार्क व्हाइट लगते हैं वो पहन के और फिर वो आपका. मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहूंगी अगर मुझे लिप पैलेट की शेड वो मिल जाए जो एक शेड होता है ना लिपस्टिक का, तो उससे भी हम बहुत आसानी से आपको ये बता हाँ, सकते हैं कलर. हाँ. मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया हाँ. कि हम ऑरेंजिश रेड हम इस तरह कर करके हाँ. कर सकते हैं. कहते अगर मुझे भेजवा दें. हाँ, कहते हैं उसको फायर इंजन रेड. वो जो फायर इंजन्स होती है ना यस, वो वाला जो कलर है दैट वो थोड़ा सा ट्रिकी कलर है तो वो हम व्हीटिश कॉम्प्लेक्शंस पे इतना नहीं सजेस्ट करते. वो आप कहती हैं डोंट्स. हां, दैट्स अ डोंट्स में आ गया, दैट्स अ डोंट. अच्छा, अब अगर फर्ज करो किसी ने गलती कर दी है यार, सर पे आ गई शादी की, भाई उसको बहुत अच्छा लगा ये, तो अगर गलती कर दी है तो मुझे मेकअप से कैसे संभालोगी? मेकअप में ये होगा कि देखिए, एक तो आप दो टोन लाइट चले जाएं अपने उसमें, बहुत लाइट ना जाएं, बहुत गोरा ना जाएं, क्योंकि कभी कभी वो जिस रेड की ये बात कर रही है वो कैरी करने में अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट कर देंगे तो भी बुरा लगेगा. तो बीच का आप कर लें अपना कॉम्प्लेक्शन. और दूसरा ये कि आप अपने लिप्स को लाइट रखेंगे और आईज को डार्क करके उसको थोड़ा सा सटल डाउन कर देंगे. बहुत हैवी मेकअप नहीं करेंगे, ग्लिटर गोल्ड सब आंखों पे नहीं लगाएंगे, डल ब्राउनजी सी आईज रखें और लिप्स भी पेल पे रखें. तो उससे क्या होगा कि सारा फोकस जो है ना वो जोड़े पे जाएगा और बैलेंस आउट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. सो अभी इस सेगमेंट में जो आपने लर्न किया है कि ये वाला कलर जिसको हम अनार रेड कहते हैं और ये वाला कलर मरून जिसे हम कहते हैं, वो सांवले रंग पे बहुत जचता है. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.